मिट्टी डालते हैं। फीड भी इनको डाल दी थी। ये दोस्तों इसी जगह पे बैठे हुए थे, अभी फिर इसको सिरप दिया। मुर्गियों की दोस्तों अभी अभी शीट हटाई है, फीड तो कुछ इनकी पड़ी हुई है, पानी ख़त्म है, वो इनको रखता हूँ। और एक मुर्गी मुझे काफ़ी सुस्त लग रही है, उसको भी चेक करता हूँ, इनको खोलता हूँ बाहर निकाल के, उसको फिर चेक कर लेता हूँ। जल्दी से निकालता हूँ इनको, वो सामने पड़ी हुई है एक। ये दोस्तों फीड डाली है और ये पानी में रखा है, इसमें फ्लैजल डाल के। ये मुर्गी है जो बीमार है, अभी हाथ से इसको पेट भी खिलवाई है और पानी भी थोड़ा सा पिलाया, उम्मीद है सेट हो जाएगी। बाकी बाहर ही मेरा दिल है निकाल दूं, क्योंकि अंदर रही अकेली तो इसने स्ट्रेस में चले जाना। ये देखे फिर बैठ गई है, ऐसे बैठी हुई थी मैं आया हूँ तो। थोड़ी सी इसको और फीड खिलाता हूँ, पानी भी थोड़ा सा और पिलाता हूँ और फिर इसको बाहर निकाल देता हूँ। बाहर हो सकता है धूप में बैठे तो सेट हो जाएगी मुर्गी। दोस्तों फिर ये मैंने अंदर रख दी है, बाहर निकाली हुई थी धूप में थोड़ी देर, तो अब अंदर रख दिया क्योंकि मुर्गियाँ बाकी इसको मार रही थी, इसलिए अंदर मैंने कर दिया। और ये केई देखें, ये जो जिधर जिधर लगा हुआ सीमेंट, ये भी सारा चूना करूँगा, कलर होगा तो प्यारा लगेगा। ये भी सा नीचे वाली बस साइड रहती है, वो जाली ये देखें ना लूज है, इसको टाइट करना है थोड़ा सा और उसके बाद फिर कर लेंगे। ये भी अभी ऊपर से छत चेक करता हूँ, देखें दोस्तों छत इसका सही लेवल का होगा, डिलवान भी सही है। ये पानी ऊपर इसको लगाना है अभी ताकि ये पक्का हो जाए। हालत दोस्तों इसकी नहीं ठीक है, इसको फिर से मैंने बाहर निकाल दिया है, भी ये बड़ी मुर्गी, बाकियों को भी ये पानी वगैरह रखा हुआ। इसको पता नहीं क्या हुआ, बैली भी चेक की है, दाना भी है। दोस्तों साइडों से जो मैंने प्लास्टर किया था इसको भी मैंने कलर कर दिया, अब काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। और मुर्गी को ये दोस्तों इसी जगह पे बैठे हुए थे, अभी फिर इसको सिरप दिया, फ्लैजियल दिया, लेकिन कोई नहीं फ़र्क अभी तक नज़र आ रहा, बाकी तो सारे माशाल्लाह सही एक्टिव है। देखें इधर बैठी हुई हैं, आ गए उधर बैठी हुई हैं, घूम फिर ही रहे हैं। ये भी अल्लाह करे ठीक हो जाए जल्दी से। भी दोस्तों आज सारी फिर से छाँव में ही हैं क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, बच्चे तो सारे उधर ही हैं इनके, वो धूप में ही बंधे हुए हैं, लेकिन इनके लिए गर्मी ज़्यादा थी तो इनको इधर ही बांध दिया। कुछ देर तक चारा डाल के फिर उधर बांध देंगे, तब तक गर्मी भी कुछ कम हो जाएगी। ये दोस्तों देखें मुर्गी मर गई है, पता नहीं क्या इसको बीमारी थी, क्या ही हुआ इसको कोई पता ही नहीं चला, समझ भी नहीं आई। पहले था इसकी बैली में दाना भी था पानी भी था, तो मुझे था इसको कोई और ही मसला है, सिरप वगैरह दिया लेकिन नहीं। अभी इसको दफनाना है, बाकियों को अंदर बंद करता हूँ। ये नुकसान हो गया आज पहली मुर्गी, उसने अंदर बंद कर दिया, अंदर गए भी काफ़ी मुश्किल से हैं, और रोज़ सुबह मैं आता हूँ तो कैन गिरी हुई होती है, तो ऐसे आज मैंने किया। ऐसे भी अगर काम ना आया तो डायरेक्ट रस्सी उसके ऊपर ढक्कन के साथ बांध दूंगा। फीड भी इनको डाल दी थी। ये कैन दोस्तों उस केज में जो थी वो इधर रखी है, इधर वाली भी और एक एक्स्ट्रा इधर पड़ी हुई थी, वो भी दोनों रूट गई हैं। गायें आई है अंदर, उसका दूध निकालना था तो उसके पाँव के साथ लगी है, तो दोनों टूट गई हैं। तो अब ये उधर से उठा के ये इधर इनको दोस्तों फीड वगैरह पानी सब कुछ डाल दिया, अभी बस हम मुर्गी को दफनाना है जो एक्सपायर हुई है।
और इनकी शीटें वगैरह लगानी है। ये करता हूँ जल्दी से, शीट इधर से गिराता हूँ पहले, ये वाली भी गिराता हूँ। इतनी मुश्किल से आज अंदर गए हैं, बहुत काम किया इन्होंने, तकरीबन कम से कम भी 20 दफ़ा ये उधर अंदर गए हैं और अंदर से इनको निकाल के लाया हूँ। फिर कभी बाहर निकल जाते थे, कभी ऊपर चले जाते थे। ये शीटें लग गई हैं, तारे इनको तकरीबन लेट बांधूंगा, अभी नहीं बांधनी। और ये मुर्गी उठाता हूँ इधर से, ये लेके चलता हूँ, दफनाता हूँ। ये दोस्तों खड्डा निकाल लिया और इसको रखता हूँ अंदर, और मिट्टी डालते हैं। कवर कर देता हूँ इसको, मुर्गी को दोस्तों दफना के आ गया हूँ। इतने अच्छे से मैं ख्याल रखता था, अब मेरे जो पहले हैं 54 उनमें से एक भी नहीं एक्सपायर हुआ, और ये जो 30 न्यू आए हैं उनमें से एक हो गई है। इतनी अच्छे से मैं केयर करता हूँ इनकी, रोज़ इनको सिरप वगैरह भी डालता हूँ, बाकी थोम वगैरह प्याज ये चीज़ें भी डालता हूँ इनको, लेकिन फिर भी इस मुर्गी को पता नहीं क्या मसला बना है। बैली में इसकी दाना भी था फिर भी ये एक्सपायर हो गई है, पानी भी इसने पिया हुआ था इसको, तो फिर भी नहीं रही। पहले मुर्गी का तकरीबन 1300 की मुर्गी का नुकसान हुआ, और दो पानी वाली कैन वो 700 की वो थी, वो नुकसान हुआ। पहला टाइम ठीक ही रहा और पिछले टाइम ये सब कुछ हो गया। अभी इनको शीट बांधता हूँ तारों के साथ। कल दोस्तों मेरा दिल है बड़ी जो मुर्गियाँ उन सबको उधर शिफ्ट करूँ, नीचे जो भी डालूँ वो डाल के, और कपड़ा भी मैं ले आया हूँ आगे लगाने के लिए, तो उनको उधर शिफ्ट करूँगा। और इससे ये है कि साथ उनके दो मुर्गे छोड़ दूँगा, अगर छोड़ने हुए भी तो फिर वो अंदर ही रहेंगी कुछ दिन, बाहर नहीं निकालूँगा तो सेट हो जाएंगी, अगर ऐसे अगर ये बीमार ही रहती हैं तो। और अंदर करना भी इनको काफ़ी मुश्किल है, आधा घंटा पौना घंटा घंटा एक इनको अंदर करने में सिर्फ लगता है। मेरे तो दरवाज़ा खुलता है, जो पहले वाले हैं दरवाज़ा खुलता है फौरन अंदर भाग जाते हैं, लेकिन ये जो है ये काफ़ी तंग करते हैं। तो यही मैंने सोचा कि उधर कल शिफ्ट करूँगा और मुर्गे छोड़ना हुआ साथ छोड़ दूँगा, और फिर इनको आदत हो जाएगी कुछ दिन तक, फिर इनको इनको लैदर टाइम पे निकालूँगा, उनको लैदर टाइम पे निकालूँगा, तो ऐसे बंद करने भी आसान होंगे। ये नहीं होगा कि ये मुर्गे इधर चली गई या वो मुर्गा इधर चला गया, ऐसे करने का दिल है। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।